नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है एक पुरानी कहावत पर बेस्ड है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। मतलब कि आपकी जैसी संगत होगी, जैसे आपके दोस्त होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप भी हो जाइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पीयर प्रेशर, समूह दबाव। मतलब कि आपका जो साथी समूह है उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साथी समूह होता क्या है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, और साथ में हमेशा की तरह हम लोग जानेंगे कि इसका उपचार कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि समूह दबाव होता क्या है। समूह दबाव, देखिए अगर सामान्य भाषा में बोले कि समूह दबाव होता क्या है, तो जब कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब कुछ समय तक अपने माँ पिताजी के साथ रहता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो बच्चा स्कूल जाता है, और स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पे जो साथी लोग उनके होते हैं उनके साथ घुलना मिलना रहना पसंद करता है, और धीरे धीरे उन साथियों के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ खेलेगा, उनके साथ ट्यूशन जाएगा, सारा काम साथी लोगों के साथ। अब जब साथी लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ता है बालकों का, जो साथी उनके दोस्त लोग होते हैं उनके ऊपर उनका कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उसको बोलते हैं साथी समूह का प्रभाव, जिसको जाना जाता है समूह दबाव के नाम से। मतलब कि पीयर प्रेशर उसी को बोलते हैं कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उसका आपके ऊपर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं समूह दबाव। एक चित्र से समझते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि कुछ लोगों का एक समूह है, ठीक है, ये बेवड़ा लोग हैं, ये बेवड़ा लोग का समूह है, नशेड़ी लोग का, नशा करता है ये लोग, क्या करता है, नशा करता है। और एक और समूह है, ठीक है, ये मान लीजिए कि अच्छा लोगों का समूह है, पढ़ाकू टाइप का, बिल्कुल आपके जैसा पढ़ाकू लोग हैं, ठीक है, ये पढ़ाई करने वाला लोग हैं, ठीक है, ये पढ़ने वाला ग्रुप है। अब इस क्लास में एक नए, दो नए बच्चे आते हैं, ठीक है, दो नए बच्चे आते हैं, ये बकलोल टाइप का पूरा, ठीक है, और ये मान लीजिए कि इसको पूरा पावर चढ़ा हुआ है बैटरी का, ये खूब पढ़ने वाला लड़का है, ये खूब पढ़ाई करता है, ठीक है। अब इसका जो साथी समूह होना चाहिए था इसके साथ होना चाहिए था, सॉरी इसके साथ होना चाहिए था, पढ़ने वाला लोग के साथ, लेकिन ये कहा कि ये लोग से दोस्ती कर लिया, ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये जो है ना, ये पूरा बैल लड़का है, कुछ इसको आता ही नहीं, भूसा दिमाग में भरा, भूसा ज्यादा हो गया, भूसा तो खा लेता है लोग, खार भरा हुआ इसका दिमाग में, खार भरा हुआ। इसका जो दोस्ती है वो इन लोग के साथ हो गया, पढ़ने वाला लड़का लोग के साथ, समझिएगा कि इसका दोस्ती पढ़ने वाला लड़का लोग के साथ हो गया, तो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा तो ये लड़का क्या करेगा ना, कि यहाँ जब आएगा ना तो ये भी पढ़ना शुरू कर देगा, और ये जो पहले से खूब पढ़ता था ना, जब इन लोग के साथ रहने लगेगा ना तो ये भी नशा करना शुरू कर देगा। यही होता है समूह दबाव, पीयर प्रेशर। मतलब कि जब आप अपने साथियों के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं, तब आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको बोला जाता है पीयर प्रेशर, और ये स्कूल में बहुत ज्यादा पड़ता है। यही कारण है कि जब आप सोचते रहते हैं कि मेरा बेटवा तो पहले ठीक है मार्क्स लाता था, अब क्या हो गया है, मार्क्स भी नहीं लाता है, अब तो नंबर कम आ रहा है उसका, पढ़ता ही नहीं है, तो ये जब साथी लोग से दोस्ती हो जाता है ना तो यही सब सीखता है। देखिए कभी आप बच्चा लोग को, कभी कोई भी पेरेंट्स या शिक्षक सिखाते हैं क्या, कुछ जो गंदी गंदी गालियां होती है या गंदे गंदे काम होते, कोई नहीं सिखाता, उस सब उसका दोस्त लोग सिखा देता है, बहुत चालाक होता है ये लोग, ये लोग भी पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहता है। खैर अब बात करते हैं हम लोग कि इसका सीखने की प्रक्रिया कौन सी होती है, कैसे सीखते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं हम लोग। प्रक्रिया, तो अगर प्रक्रिया की बात करते हैं हम लोग तो प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष दबाव डायरेक्ट प्रेशर, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष दबाव इनडायरेक्ट प्रेशर। देखिए प्रत्यक्ष दबाव, प्रत्यक्ष दबाव का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है जब अपने साथ अपने साथियों के साथ रहने के लिए आ जाता है तो उसको जानबूझ करके बोला जाता है कि भैया अगर तुमको हमारे साथ रहना है तो तुमको मेरे साथ जो हम लोग काम करते हैं वो तुमको करना पड़ेगा, जो गाली वाली देते हैं हम लोग या मारपीट करते हैं तो वो करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रभाव। या पढ़ने वाला लोग के साथ चला गया तो उसको बोला जाएगा कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो भाई तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर बदमाशी करोगे या फिर पढ़ोगे नहीं, अगर होमवर्क करके नहीं आओगे तो हम तुमको इस ग्रुप से निकाल देंगे, इस तरह का बात होता है, तो होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब कि डायरेक्ट उसको बोल करके पढ़ रहा है। एक होता है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि उसको बोला नहीं जाता है कि तुम ये काम करोगे, लेकिन वो क्या करता है उन लोग के साथ रह रह करके सीख जाता है। जैसे कि अब किसी साथी समूह के चक्कर में पड़ गए, वो उन लोग है कि सिगरेट पिए जा रहा है फूंक रहा है, तो अब उसके साथ रह रहे हैं तो थोड़ा मन करता है यार थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं एक दिन हम भी, तब इस चक्कर में क्या होगा ना, वो सीख जाएगा उन लोग के साथ पीना।
तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट दबाव, मतलब कि इनडायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा, बस वो सीख करके, वो देख करके खुद से सीख जा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके कारण कौन कौन से होते हैं, समूह दबाव में बच्चे आ जाते हैं तो इसके कारण क्या होते हैं, कारणों पर बात करते हैं। सबसे पहला है अत्यधिक आजादी, एक्सट्रीम फ्रीडम, बहुत अधिक आजादी हमेशा घातक होती है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहां पर उनको खूब आजादी मिलती है, जिसके जिससे मन करेगा उनके साथ वो दोस्ती करेंगे, जिनके साथ मन करेगा उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो बच्चे तो ऑब्वियसली बिगड़ेंगे ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों को फ्रीडम दीजिए, लेकिन जितना जरूरत है आप उतना फ्रीडम दीजिए, अत्यधिक फ्रीडम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अधिक रोक टोक, टू मच रिस्ट्रिक्शन। देखिए अगर बच्चों पर आप बहुत ज्यादा रोक टोक भी लगा देते हैं, उनको किसी चीज की आजादी महसूस नहीं होती है, बहुत ज्यादा रोक टोक रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना फ्रेंड सर्कल बाहर बनाना शुरू कर देते हैं। जहां उनको आजादी मिलती, मतलब कि फ्रेंड सर्कल उनको मोटिवेट करते, अरे भाई करो ना, जो करना करो, हम लोग हैं ना, टेंशन काहे कर लेते हैं, अरे बाबा, ऐसा अगर उनके साथ उनको दोस्त मिल जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भूल जाएंगे और वहां पर दोस्त लोग के साथ वो फ्रीडम होकर के मस्ती से काम करेंगे। तो अधिक ना पेरेंट्स को क्या करना है कि ना अधिक रोक टोक करना है, ना ही अधिक आजादी देना, जितना जरूरत है आप उतना काम करें। देन थर्ड है हीनता से ग्रसित बच्चे, लो सेल्फ एस्टीम अफेक्टेड चाइल्ड। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हीनता से ग्रसित होते हैं, मतलब उनको खुल करके कुछ बोलना नहीं है या फिर कुछ काम नहीं करना, मतलब अब ऐसा लगता है कि हम तो सबसे गए गुजरे विद्यार्थी हैं। तो ऐसे में उनको क्लास में सताया जाता है, जो क्लास में जो पंटर लोग होता है या कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो उनको बहुत ज्यादा सताते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाला में ज्यादा होता है। हमारे गांव में कोई बोलेगा तो मुंह ही तोड़ देंगे मार के, गांव के स्कूल में कोई कुछ बोलता है तो उसका बाप पास तुरंत लाठी लेके मेरा बाप पहुंच जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे वो कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ पता भी नहीं होता और बच्चे कांड करके बैठे होते हैं। तो जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कुछ बच्चे उनको सताने का काम करते हैं, तो ऐसे में जरूरत पड़ता है कि जो जिनका लो सेल्फ एस्टीम है वो दूसरे वाले ग्रुप से हाथ मिला ले, जब वो दूसरे वाले ग्रुप से हाथ मिला लेते हैं तब उसमें थोड़ी हिम्मत आ जाती है और फिर वो उस समूह के चक्कर में फंस जाते हैं और वहां यहीं से समूह दबाव का कार्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है घर का वातावरण सही ना होना, बैड इन्वायरमेंट ऑफ द होम। देखिए घर का जो वातावरण है एकदम साफ सुथरा रखिए, झोल झपाट मत रखिए, पति पत्नी का झगड़ा बाहर छोड़ करके आया कीजिए, अगर घर पे लेकर के आइएगा उसको तो बच्चे इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं और फिर बच्चे क्या करेंगे कि बाहर जाकर के दोस्त बनाना शुरू करेंगे और जब दोस्त बनाएंगे तो उसके सब चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि यही तो रीजन है, जहां दोस्ती हुई वहां उसके चक्कर में फंसना है, कोई नहीं बचा सकता फिर उसको। नेक्स्ट है बालक के अभिभावक को दोस्तों के बारे में नहीं पता होना, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड डोंट नो अबाउट द फ्रेंड्स ऑफ देयर चाइल्ड। देखिए बच्चों के जो दोस्त लोग होते हैं, बच्चों के जो भी दोस्त हैं उनके बारे में अभिभावक को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अभिभावक हैं और आपको नहीं पता है कि मेरे बच्चे के कौन कौन से दोस्त हैं, वो किन से बात करते हैं, वो क्या करते हैं, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले ये जान लें कि आपका बच्चा जो है वो किस कैसे लोगों से दोस्ती रखा है। अगर गलत लोगों के साथ दोस्ती है उसका तो समझ लीजिएगा आपका नैया फिर डूबाने वाला है वो। नेक्स्ट है और लास्ट है आवश्यकता पूरा ना होना, लैक ऑफ फुलफिल ऑफ द डिजायर। देखिए जो घर पे जो डिजायर की आवश्यकता होती है, जो चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों का अगर घर पे पूरा नहीं होता है तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके साथी होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, और जब ऑब्वियसली हम आपको हेल्प करेंगे तो आपको बोलेंगे ना कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तुम काम करोगे, तुम शराब नहीं पीते हो, हम पीते हैं, चलो साथ में चलो पीते हैं, तो अरे यार पैसे की दिक्कत है, चलो आज यहाँ पे डक्का डालते हैं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं यार, तुम खरीद के क्यों खाते हो, वो चचा है ना उनसे हम तो ऐसे ले करके चल देते हैं। तो इस तरह का जो काम होता है अगर आपके दोस्त लोग कर रहे हैं और आपको अगर कुछ उनको वो खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके चक्कर में पड़ोगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप भी हो जाओगे, तो थोड़ा संभल कर। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि समूह दबाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो समूह दबाव के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट। देखिए ऐसा नहीं है कि समूह दबाव के चक्कर में जब आपका बच्चा पड़ जाएगा तो पीना ही सीखे, ये जरूरी नहीं है। अगर हो सकता है कि वो अच्छा संगत के चक्कर में पड़ गया, अच्छे लोगों से उनका दोस्ती हो गया आपका बच्चे का, तो हो सकता है कि वो अच्छा कार्य करे, तब वो कहलाता है सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट, मतलब कि अच्छा प्रभाव पड़ा। अब समझते हैं नेगेटिव इंपैक्ट को, नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट। देखिए जब आपका बच्चा गलत संगत में पड़ जाए, मतलब कि संगत का जो असर है वो गलत तरीके से पड़े, मतलब कि सही तरीके से नहीं पड़े, आपका बच्चा पहले ठीक था लेकिन जब से संगत का असर पड़ा वो पीना खाना शुरू कर दिया,
पढ़ाई लिखा छोड़ दिया, बदमाशियां शुरू कर दिया करना, तो जब इस तरह का काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे नकारात्मक प्रभाव। अभी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर समूह दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो प्रभाव है वह व्यवहार में परिवर्तन, चेंजेस इन बिहेवियर। व्यवहार में बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है कि आपका बच्चा पहले बहुत अच्छा उसका व्यवहार था, आदर के साथ बात करता था, बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करता था, होमवर्क बहुत अच्छे से करता था, लेकिन जब समूह दबाव के चक्कर में पड़ गया, मोहल्ले वाले से दोस्ती हो गई, मोहल्ले वाले शाम को क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चा आपका पढ़ेगा कहाँ से, या फिर कुछ भी करते हैं, कुछ अदर एक्टिविटी, तो हो सकता है कि सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है भाषा में परिवर्तन, चेंज इन लैंग्वेज। देखिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप अच्छा भाषा का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपको मिठाई भी मिल सकती है, नहीं तो जूते भी मिल सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति, जब कोई बालक किसी समूह दबाव के प्रभाव में पड़ता है, अगर वो अच्छे संगत में पड़ गया तो अगर पहले से गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था तो हो सकता है सुधर जाए। लेकिन अधिकांशतः ये होता है कि जिस समूह के चक्कर में भी पड़े, होता ये है कि पहले तो ठीक ठाक भाषा का प्रयोग करता था लेकिन समूह दबाव के चक्कर में पड़ गया ना, उस दिन से बे ते रे पता नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डैश 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 आगे आप जोड़ लो, कितनी गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। तो भाषा में बदलाव आ जाता है। अगला है पोशाक में परिवर्तन, चेंज इन ड्रेस। ये तो और है। देखिए अभी आपको, अभी जब बच्चे होते हैं, बच्चे जब होते हैं तो उसको आप घर पे रखो तो ठीक ठाक है, जैसे स्कूल जाना शुरू करते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन स्कूल के बाद जब फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर उनके घर जाते हैं तो फिर देखते हैं कि अरे उसका तो इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ, तो ठेहुना पर जींस फटा हुआ, तो वो फैशन है। तब वो क्या करते हैं कि अरे तुम क्या पहन रही हो, ये आज भी तुम सूट पहन के घूम रही हो, अक्सर ऐसा देखा गया। या फिर लड़का लोग को बोलता है फुल पैंट कौन आजकल का जमाना में कौन पहनता है, जींस पहन या टी शर्ट वगैरह डाल। तो उसके बाद फिर उसके पोशाक में परिवर्तन हो जाता है। अगला है अभिवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड में भी परिवर्तन आ जाएगा। अगर जहां वो लड़का समूह दबाव के चक्कर में पड़ा, उन लोगों के साथ रह रह करके सीख जाएगा कि कैसे व्यवहार किया जाता है, तो उसका एटीट्यूड में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिकता में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रायोरिटी। देखिए हो सकता है कि आपका बच्चा पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी देता था, प्राथमिकता देता था कि सबसे पहले हमको अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, लेकिन जब समूह दबाव के चक्कर में एक बार लड़का पड़ गया तो हो सकता है कि वो पढ़ाई को बाद में देखेगा, सबसे पहले वो खेलना पसंद करेगा कि आज हमको दोस्तों लोग के साथ घूमने जाना है या दोस्तों लोग के साथ आज हमको खेलने जाना है, तो पहले प्राथमिकता देगा खेलना को या घूमना को, उसके बाद आपका पढ़ाई वगैरह सेकेंडरी चीज है। ये होते रहेगा ना, जिंदगी भर तो पढ़ना ही रहता है, ऐसा फिर उसका बिहेवियर हो सकता है। अगर पहले हो सकता है कि पहले प्राथमिकता अपने पेरेंट्स को देता था लेकिन जब समूह दबाव के चक्कर में पड़ गया उसके बदले आपने किया क्या है पापा मेरे लिए, आप ये तो ड्यूटी थी, तरह तरह के बातें होने लगती हैं। नेक्स्ट है नैतिकता में परिवर्तन, चेंजेस इन मोरलिटी। देखिए अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं वो जब घर पे होते हैं तो बहुत संस्कारी होते हैं, जब तक घर का उनका माहौल मिलता है, जब घर का स्कूल से बाहर के स्कूल में भेजा जाता है ना तो बच्चे वहां फिर सीख जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो फिर नैतिकता में परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है कि आपका बच्चा पहले जिस स्थान पे था वहां गलत नैतिकता उनको मिला, लेकिन जब उसको किसी अच्छे इन्वायरमेंट में भेजे और वहां पर जाकर के अच्छे लोग से दोस्ती हुई उसकी, तो नैतिकता में वहां सुधार भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि गलत ही हो जाए, सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, कुछ जरूरी थोड़ी कि हर बार आपके साथ गलत ही कुछ हो। तो ये थे इसके कुछ प्रभाव। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। अगर आपका बाल गोपाल थोड़ा सा बिगड़ गया है या फिर गलत लोगों के संगत में पड़ गया है तो आप यहाँ से इन फॉर्मूलाज को अपना करके आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, या आप एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक होने के नाते भी आप थोड़ा काउंसलिंग कीजिएगा तो हो सकता है कि बच्चा फिर से ट्रैक पे आ जाए। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है पहचान करना। जो बालक समूह दबाव के चक्कर में पड़ गया है, नकारात्मक तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले उसकी पहचान करें। पहचान कैसे करेंगे, उसका जो मार्क्स होगा पिछले ईयर का या पिछले क्लासेस का जो मार्क्स होगा वो थोड़ा अधिक होगा, और जब उसका धीरे धीरे वो कम हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि गलत लोगों के चक्कर में ये लड़का पड़ गया है, तो उसकी पहचान कर ले। दूसरा है अभिभावक तथा शिक्षक का तालमेल। आप शिक्षक हैं और आपने पहचान कर ली है कि हो सकता है मेरा ये बच्चा जो है स्टूडेंट है वो बिगड़ चुका है, तो उसके पेरेंट्स से आप संपर्क करें, या फिर आप पेरेंट्स हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा गलत लोगों के संगत में पड़ चुका है, तो आप उनके शिक्षक से संपर्क करें और आपसी तालमेल के साथ काम करना शुरू करें। नेक्स्ट है बच्चा से बात करें। जो बालक है जो
समूह दबाव के चक्कर में फंस चुका है, उससे सबसे पहले आप बात करें, उनको बताएं कि बाबू ऐसे ऐसे बात है, तुम थोड़ा सा चक्कर में पड़ गए हो, क्यों दोस्त लोग के चक्कर में पड़े हो थोड़ा सा समझो, तुम्हारा पिछले ईयर देखो कितना मार्क्स आया था, उसके पीछे साल कितना मार्क्स था, ये जब से ये लोग के चक्कर में पड़े हो ना, तो तब से तुम्हारा मार्क्स घट रहा है, तुम्हारा जिंदगी खराब होने वाला है, उनको उनसे बात करें। उसके बाद समूह के बारे में उनसे बात करें कि जो समूह है उन लोगों ने बना रखा है, जिस समूह से वो जुड़ा हुआ है उस समूह के बारे में बताएं कि देखो यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि उस लड़का को बुरा ना लग जाए, नहीं तो बुरा लग जाएगा तो फिर तुरंत खड़ा हो जाओ, संभल के मेरे दोस्तों के बारे में मेरे समूह के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो तेरा जुबान खींच लूंगा, कुछ भी बोल सकता लड़का। ऐसे भी एडोलेसेंस एज में जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं बड़ा तूफानी वाले होते हैं, वो दिए नहीं देखेंगे हम मार पाएंगे कि नहीं, बस दिमाग में नहीं मारने तो मार देगा फिर वो लोग, थोड़ा संभल करके। तो आराम से फिर उसे उसके समूह के बारे में बात करें। फिर नेक्स्ट है सही रास्ता दिखाएं, जब उनसे आप उनकी पहचान हो चुकी है, उनके शिक्षक से या फिर आप उनके अभिभावक से आप संपर्क कर चुके हैं, बच्चा को बता चुके हैं, उसके बाद उसके समूह के बारे में बता चुके हैं, तो अब सही रास्ता दिखाएं उसको कि सही रास्ता क्या है, इस समूह से तुम निकलो, इन लोग का चक्कर छोड़ो, पढ़ने वाला जो ग्रुप है बाबू उन लोग से दोस्ती करो, जिंदगी में कुछ करना है तो उन लोगों से दोस्ती करो। उसके बाद उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है कि देखो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ अभी तक तुमने जिंदगी में कुछ नहीं खोया, अगर तुम अभी से सुधर जाओगे तो तुम आगे भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करोगे, उनके आत्मविश्वास को जितना हो सके हौसला अफजाई करें, तो हो सकता है कि वो बच्चा सुधर जाए, वापस ट्रैक पे आ जाए, अच्छे लोगों से दोस्ती करे और फिर अपना और अपने परिवार का अपने शिक्षकों का नाम रोशन करे। बस तो यहाँ पे यह टॉपिक अब समाप्त हो जाता है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। जिनको PDF चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें वहां से PDF को डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ाई करें। लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।